Now, what are akashic records? It's your soul record. जैसे हमारे हिंदू परंपरा में है ये कि हमारी जो सोल की जर्नी है वो बहुत लाइफ टाइम से हुई है, बट किसी किसी रिलीजन में नहीं है वो. बट हम जो बिलीव करते हैं वही हमें दिखता है, वही हम महसूस करते हैं, राइट? जो भी आपका, जैसे आजकल आई एम टेकिंग सो मेनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स इन माय एंटायर कंसल्टेशन ऑफ अकाशिक रिकॉर्ड्स, आई कांट टेल यू. सो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स इतने क्यों आ रहा है मेरे पास? मैं खुद वो क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि व्हाट एम आई गेटिंग. बिकॉज जब आप भी कल को ये सीख के, आप सब अकाशिक रिकॉर्ड कंसल्टेशन ले सकते हो, यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल अकाशिक रीडर, ओके, एंड प्रोफेशनल अकाशिक हीलर, दोनों. बिकॉज इतनी तो आपके अंदर मैं ठूस दूंगी और आपको इतना ट्रेन कर दूंगी कि आप किसी का भी रिकॉर्ड खोल के पढ़ सकते हो और किसी की भी अकाशिक हीलिंग कर सकते हो, विच इज द फिफ्थ डिमेंशन हीलिंग. दिस इज एंटायरली डिफरेंट, ओके, एंड द रिजल्ट विल बी अमेजिंग. सो पास्ट में जाना कि किसी का रिलेशनशिप है तो क्यों है, किस लिए है, अगर आपको ऐसा चाहिए तो. बिकॉज यू नो व्हाट, क्यों हम पास्ट में जाते हैं हमेशा? पास्ट में जाने से ना पता लग जाता है. जैसे आज का आया था एक रिलेशनशिप, एक लड़की आई थी, उसने कहा मेरा हमेशा प्रॉब्लम ही रहा है. ऐसी रैंडमली लोग बोलते हैं, ये तो बोलेंगे नहीं आपको मेरा इतना बार हुआ है, मेरा इतना हुआ है, ये हुआ. नो, दे विल नॉट स्पीक टू यू इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट वे. कुछ लोग ट्रांसपेरेंट बात करेंगे, नॉट नेसेसरी कि सब ट्रांसपेरेंटली बात करेंगे. सो आई जस्ट आस्क्ड हर, क्या ये थर्ड टाइम भी हार्ट ब्रेक हुआ है क्या? सो शी सेड यस. फिर उसने कहा कि यू नो अब मेरे से सहा नहीं जाएगा, अब मेरे को उसी से करना है. तो थ्री टाइम्स किसी का हार्ट ब्रेक होके नाउ शी वॉन्ट्स समबडी जो उसके लाइफ में रहेगा, तो उसका इमोशनल इम्पैक्ट कितना होगा, राइट? एज अ हीलर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कितना होता है इसमें. दैट्स वाई टू नो द थ्री प्रॉब्लम्स यू हैव टू गो टू द पास्ट, सो दैट यू कैन एटलीस्ट काउंसिल देम इन अ गुड वे, एंड आपको आंसर्स भी उसी हिसाब से आएंगे. आपका जो बोलने का तरीका है वो भी सच होगा, आप किसी को बुद्धू नहीं बनाओगे. बिकॉज लोग हमारे पास आते हैं फेथ. आज आप सब इधर आए हो बिकॉज ऑफ दिस इंस्टीट्यूट्स फेथ कि हाँ, ये जो भी फैकल्टी लेके आएगा, इन लोगों में कुछ ना कुछ तो है और हम लोग कुछ ना कुछ तो अचीव करेंगे, राइट? सो इस फेथ को कायम रखने के लिए इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो अकाशिक रिकॉर्ड्स डील्स विद दिस काइंड ऑफ ट्रस्ट, फेथ, बिलीफ इन अ वेरी ईजी वे. इसमें कोई आपको पत्री, मतलब मैं आई एम एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो एंड आई वर्क एज एन एस्ट्रोलॉजर, बट इसमें इतना डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, ओके?